हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करेंगे जो नीट के लिए और जी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप की काम करवाऊंगा। सबसे पहले है आपके व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, किसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड जो केमिकल जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस का स्टडी करना ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस का स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोस्टली अपन क्या पढ़ेंगे, सेल। क्या पढ़ेंगे? सेल। ये सेल आपके टू टाइप्स के, फर्स्ट इलेक्ट्रो लाइटिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विद्युत अपघटनी सेल किसको बोलते हैं। ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर अपन क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करने पर उस सेल में केमिकल चेंजेस होते हैं। क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करने पर केमिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल चेंजेस होने पर यहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का उत्पादन होता है। उसी को अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आपने क्या किया इसके अंदर, यूज किसका किया? इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब ये प्रोसेस स्वतः तो नहीं हुआ ना, ये प्रोसेस क्या हुआ? अस्वतः हुआ। क्या हुआ? अस्वतः। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। और इसमें जो अपन इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हैं, इसमें कंडक्टिविटी के लिए क्या डालने पड़ते हैं साथ में, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटक यूज करने पड़ते हैं जो धारा का प्रवाह करता है। वो मोस्टली जैसे NaCl, Na2SO4, K2SO4 इनका यूज किया जाता है मोस्टली। ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग भी हो सकते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट वीक भी हो सकते हैं। ओके बेटा, फिर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन तो स्वतः हो सकती है। इसका मतलब ये प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें स्वतः अभिक्रियाएं क्या होती है, स्वतः अभिक्रियाएं होती है और स्वतः अभिक्रियाओं से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जैसे अपने बैटरी, जो गाड़ी और बैटरी वगैरह आती है वो केमिकल रिएक्शन चलते हैं उनमें, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गए एक तरह। क्या हो गए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुए कि नहीं हुए? नो डाउट हुए सर। जैसे गैल्वेनिक सेल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और यही अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये मैं छोटे छोटे जो की पॉइंट्स हैं उस की पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं व्हाट इज कंडक्टर। पहली बात तो कंडक्टर क्या है, चालक क्या है, जिसमें विद्युत धारा का चालन होता है उसको अपन कंडक्टर कहते हैं। ये कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक चालक, दूसरा होते हैं
विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है? मेटेलिक जो कंडक्टर होता है ना, उनमें जो कंडक्टिविटी होती है, जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी डेवलप ड्यू टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंडक्टिविटी डेवलप होती है। जैसे ये आपकी मेटल के एटम है और मेटल के एटम के बीच में जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, वॉइड्स है, इनके अंदर ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी आती है। ये जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, ये आपके थ्री टाइप्स के अपन इसको डिस्क्राइब करते हैं। एक तो कंडक्टर हो गए खुद जो चालक, एक कौन से हो गए इंसुलेटर, और एक क्या हो गए सेमी कंडक्टर वेरिएबल। बहुत सीधी सी बात है, इनको तो अपन को कोई पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिलेबस में नहीं। मैं तो सिर्फ आपने दोनों को डिफरेंस की बात कर रहा था कि आपको पता चल जाए इसमें डिफरेंस क्या है। अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसमें जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी डेवलप होती है उसका रीजन होता है मोबाइल आयंस। जैसे कोई सॉल्ट है, मान जैसे NaCl सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट को जब आप गलित अवस्था में या तो आप इसको फ्यूज कर दो या फिर आप इसको किसी भी विलायक के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर घोल दो, तो घोल दोगे तो क्या होगा, ये अपने आयनों में टूटेगा, आयंस में टूटेगा, डिसोसिएट इन टू द आयंस। पर आयनों में टूटने की वजह से इसमें आयनों में क्या आएगी, मोबाइलिटी आएगी, गतिशीलता आएगी, और इस मोबाइलिटी के कारण इसमें कंडक्टिविटी डेवलप होगी। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर्स होते हैं, इनमें तो ये कौन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, हमेशा ये ध्यान रखना, ये ठोस अवस्था में कभी भी विद्युत धारा का चालन नहीं करते। कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कभी भी ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते, जबकि मेटेलिक जो कंडक्टर्स होते हैं वो सॉलिड अवस्था में, सॉलिड स्टेज में भी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, सॉलिड स्टेज में भी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। तो अपन ने जो इसके अंदर क्या किया बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर है उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटक जो पदार्थ होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल। ओके, चलो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप बोलते हो बर्बर विद्युत अपघटक, और दूसरा है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनका डिसोसिएशन कंप्लीट होता है, मतलब पूर्ण आयनाइजेशन होता है, पूर्ण आयनीकरण होता है, पूर्ण विघटन होता है। नंबर पॉइंट वन, यह पूर्णतः आयनित होते हैं, पूर्णतः आयनित मतलब पूर्णतः विघटित होना, मतलब डिसोसिएशन होना, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, इट्स कंप्लीट डिसोसिएट या फिर आयनाइज। जैसे एग्जांपल NaCl, K2SO4, KCl, Na2SO4। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट या फिर खुद स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट्स होते हैं वो ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके सर, हमको क्या मालूम चलेगा ये आयनाइजेशन कितना हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
मतलब आयरन की मात्रा या डिसोसिएशन की मात्रा के बेस पर अपन पता लगाते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट बोथ आर डिटरमाइंड बेस अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इनमें पूर्णतः आयनन नहीं होता है, पूर्णतः नहीं होता है मतलब आंशिक रूप से होता है, मतलब नॉट ए कंप्लीट डिसोसिएट, पार्शियली डिसोसिएट। तो ऐसे सॉल्ट कौन से होंगे भाई जो या तो वीक एसिड हो या वीक बेस हो या फिर वीक एसिड वीक बेस हो, इस टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें कंसिडर किए जाते हैं। हो सकता है कि वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी कुल मिला के वीक होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल NH4OH, सेकेंड एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सॉल्ट्स में ले सकते हो अमोनियम एसिटेट एक्सेट्रा, खूब सारे सॉल्ट्स हैं, है ना, जिसको अपन कंसिडर किसके अंदर करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में करते हैं। मैं बात बता रहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों का जो निर्धारण किया जाता है वो आयनन की मात्रा के आधार पर किया जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के आधार पर किया जाता है। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के द्वारा, किसके द्वारा, अल्फा के द्वारा। इन दोनों का डिटरमिनेशन किसके आधार पर करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा। अब दिमाग में क्वेश्चन पहले ही डेवलप हो जाता है कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या चीज है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, छोटा सा पॉइंट है, कुछ नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक टाइप का रेशियो है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट में टोटल जो आयन्स थे उन आयनों में से कितने आयन है वो विघटित हुए। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, टोटल आयनाइज्ड आयन्स या फिर अपन कह सकते हैं नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन्स, कितने टोटल वियोजित हुए वो आयन, मतलब विघटित आयनों की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रोलाइट कि इलेक्ट्रोलाइट में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे और उन मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गए, विघटित हो गए। उन दोनों का जो अनुपात है वही क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मेरे हिसाब से यहां तक सही आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अगला पॉइंट है इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले कारक कौन हो जाएगा, खुद विद्युत अपघटन हो जाएगा कि भाई कैसा है, स्ट्रॉन्ग है वीक है। तो इसमें अपन अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे, सबसे देखेंगे पहले आपके नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब सीधी क्या बात होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत अपघटन के सामर्थ्य समानुपाती विद्युत चालकता। समझ में आ गई बात, मतलब जितना प्रबल होगा उसकी चालकता उतनी ज्यादा होगी, जितना दुर्बल होगा उतनी चालकता कम होगी। दुर्बल में आयनों की संख्या क्या मिलती, कम मिलती, और प्रबल में आयनों की संख्या क्या मिलती,
ज्यादा मिलती है। एक बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा है आपकी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की प्रकृति कैसे है, जैसे आपने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को किसी भी सॉल्वेंट में घोला, उसकी प्रकृति कैसे, जैसे देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे NaCl, NaCl लीजिए इलेक्ट्रोलाइट, यदि उसको आपने जल में घोल दिया, ठीक है, तो जल क्या है, पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट में उसकी पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा, तो वो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, NaCl का डिसोसिएशन ज्यादा करेगा, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। और यदि NaCl को नॉन पोलर में डिसोसिएट कर देते तो वो उसका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं कर पाता, और कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं कर पाता तो सिंपल सी बात है उसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या हो जाती, कम। इसका मतलब जो सॉल्वेंट जो पोलर होंगे, पोलर सॉल्वेंट ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टेंस क्या होगी, बोलो भाई, कम होगी, होगी कि होगी। बहुत इजी इजी बात है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरा फैक्टर, हाइड्रेशन या जलयोजन। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि बच्चा सोचता है कि जलयोजन में कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए, जबकि मामला उल्टा हो जाता है हाइड्रेशन, ठीक है भाई। जैसे देखो दिमाग में, जैसे ये पॉट है, बराबर ऐसे, इसमें ये क्या है, वाटर है, आपने इसके अंदर क्या कर दिया, NaCl को डिसॉल्व कर दिया, तो NaCl खुद क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl डिसोसिएटिंग द Na+ एंड Cl-। अब मान लो कि वाटर है वो इस Na+ के ऊपर आके चिपक जाएगा, तो ये वाटर चिपक जाएगा जिसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। तो जो सोडियम जो मॉलिक्यूल है या सोडियम जो आयंस है वो अब तो फ्री नहीं रहे ना, वाटर के साथ जुड़ने के बाद सोडियम आयंस फ्री नहीं रहे, उनका वेट बढ़ गया, तो वेट बढ़ गया तो उसकी दौड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दौड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा या जलयोजन होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। इट मींस हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। शायद मेरे हिसाब से आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है सर, बहुत इजी सी बात है। नेक्स्ट अपन फैक्टर देखेंगे डाइल्यूशन, और उसके बाद अपन देखेंगे टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट फैक्टर है फोर्थ फैक्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन या तनुकरण। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, एक विलयन सांद्र होता है या गाढ़ा होता है, और एक विलयन पतला होता है, तो पतला विलयन होगा तो उसमें आयनों की दूरियां क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितनी आयनों की दूरी होगी तो आयनों को गति करने के लिए स्थान क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और स्थान ज्यादा मिलेगा तो वो चालकता क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विद्युत चालकता समानुपाती डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब तनुकरण। अब तनुकरण से हुआ क्या, कॉन्सेप्ट सेट करना, तनुकरण हुआ तो विलयन पतला हुआ, विलयन पतला हुआ तो अणुओं के बीच, अणुओं या आयनों के बीच, आयनों के बीच इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस घट गया, हो बढ़ गई, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो मूमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मूमेंट बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो बढ़ नहीं, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं। फिफ्थ फैक्टर है आपके टेम्परेचर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर, तापमान। आपको दिमाग लगो, जब तापमान बढ़ता है
तो आयनों को क्या मिलती है? आयनों को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आयनों को एनर्जी मिलेगी तो आयनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। और मूवमेंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो कंडक्टेंस है वो भी दो तरह की कंडक्शन है। एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाली कंडक्टेंस और एक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होने वाली कंडक्टेंस। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, कि दोनों में अंतर क्या है। ओके, इसको अपन बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।